नमस्कार दोस्तों, एंजल ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन में कल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स ये मैंने निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया है, तो आप यहां पे चेक करोगे कि लास्ट दो दिन में क्या हुआ। फ्रेंड्स कल निफ्टी में -246 पॉइंट की गिरावट आई और आज उससे डबल +446 पॉइंट का उसका उछाल आया। तो आज हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट अभी नेगेटिव जोन में नहीं आया है, जो भी आया था वो कल आके चला गया। तो आज उसने एक बुलिश टाइप की पैटर्न बनाया है वन डे के कैंडल में। ओके, तो आज अभी शाम को 5 बजे है, तो हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या बन रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,760 के आसपास क्लोजिंग आया है और अभी SGX निफ्टी 17,900-800 के करीब चल रहा है। फ्रेंड्स और यहाँ पे आप चेक करोगे US 30 158 पॉइंट प्लस में है, डाउ जोंस का फ्यूचर 164 पॉइंट प्लस में है, डेक्स अभी 1237 पॉइंट प्लस में है। तो अभी कल तक भी हो सकता है थोड़ा सा गैप ओपन हो सकता है। अगर कल सुबह में ये हमारा SGX निफ्टी प्लस में आता है रहता है तो हमारा फिर से कल गैप ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर वन डे के चैनल में आप चेक करोगे कि आज के हाई को ब्रेक करता है यानी 17,770 को ब्रेक करता है तो आने वाले दो दिन में वो 17,900 के टच करने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स निफ्टी में। तो आइए देखते हैं अब इंट्राडे के चार्ट में कल के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करोगे कि आज उसने गैप ओपन किया, आपने एक भी कैंडल उसने रेड कैंडल की नहीं बनाई। फ्रेंड्स ये पूरे दिन में सिर्फ दो ही कैंडल हमको रेड कैंडल दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो कितना बुलिश है वो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स हमारा मार्केट। तो आइए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी 50 में। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर फ्रेंड्स किसी को स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना है तो मैंने अपने चैनल में सेटअप करके एक फोल्डर बनाया, उसमें आप सेटअप भी देख सकते हो, उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। फ्रेंड्स ये मैंने लेवल पहले से मार्क करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तभी मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए क्या करना है हमें। फ्रेंड्स सॉरी चले भाई, फ्रेंड्स कल मैंने ये नो ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है 17,800 से लेके 17,700। अगर फ्रेंड्स इस जोन के बीच में अगर निफ्टी ओपन होता है और उसके बाद ये अपसाइड में ब्रेक करता है, फ्रेंड्स 17,810 को ब्रेक करता है, तो उसका पहला था गिराने की पॉसिबिलिटी है 17,861। दूसरा था अगर आ सकता है अपसाइड में 17,957। और अगर डाउन के साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस जोन में ओपन होने के बाद डाउन के साइड में ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है 17,640। और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,581। ओके फ्रेंड्स ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी का। फ्रेंड्स अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो हमें कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। फ्रेंड्स तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो यस्टरडे का चार्ट है, यस्टरडे उसने 700 पॉइंट माइनस करीबन क्लोज हुआ था और आज आप चेक करोगे तो 1200 साइन प्लस में क्लोजिंग हुआ है यार, तकरीबन 3.29% तक की मूवमेंट मिले हैं आज बैंक निफ्टी में। ओके, और आज उसने भी बुलिश कैंडल बनाई है, उसका क्लोजिंग हुआ है 39,536 पे क्लोजिंग हुआ है। तो अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा तो उसके पूरी पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले ये 39,750 को टच करेगा, उसके बाद इसको भी ब्रेक करता है तो वो 40,000 के करीब जाने की पूरी कोशिश करेगा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट की चार्ट में कल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैंने ये पहले से लेवल मार्क करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी चेक करोगे 15 मिनट की चार्ट में तो बैंक निफ्टी ने आज गैप ओपन किया, पहली कैंडल बुलिश हुई, उसके बाद की चार कैंडल उसने थोड़ा साइडवेज हुआ, उसके बाद उसको फिर से ब्रेक करके ऊपर चला गया और कंटिन्यू ऊपर चला जाता गया। फ्रेंड्स तो कल के लिए फ्रेंड्स हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा 39,600 से लेके 39,475। फ्रेंड्स अगर कल बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होती है फ्रेंड्स इस जोन में और वहाँ से जाके ऊपर इसको ब्रेक करता है 39,600
612 को, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 39,746, और दूसरा टारगेट आ सकता है, इसको भी ब्रेक करेगा तो 39,840। और अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 39,474 ब्रेक करता है फ्रेंड्स, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 39,344, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 39,237 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आज हुआ है 39,536 का उसका क्लोजिंग हुआ है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।